ये मेरी 8वीं इलेक्शन होगी। पहला जब मैं 96 में लड़ा था उस समय जनता दल के तरफ से लड़ा था, और 98 से लगातार 6 बार बीजू जनता दल से उम्मीदवार हुआ था और जीता था भी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं लड़ रहा हूँ और मुझे नॉमिनेट किया गया है लड़ने के लिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लायक समझा कटक को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह की मार्गदर्शन में मुझे इस लड़ाई में शामिल होना है। और ये लड़ाई, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी कहा था कि जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अब चल रही है उसको और आगे बढ़ाने में और उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनाने में हम कोशिश करेंगे। सर कितने तैयार गए हैं, कितने तैयार हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर? असल में कटक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा सा संगठन है, हर एक गांव में भी है, तो उनके जरिए मुझे लोगों के पास पहुंचना है और सबकी आशीर्वाद भी लेना है। मैं सोचता हूं कि समय तो कम है और प्रतिपक्ष के पास धन बल और बाहुबल ज़्यादा है, फिर भी हम नीति और नैतिकता के आधार पर ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस बार क्या थोड़ा बार आप बीजेपी से लड़ेंगे? मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, बीजेडी और बीजेडी होके रहा नहीं, वो पूरा कांग्रेस हो चुका है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।